हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई तो आपकी लाइफ में अजीब सा परिवर्तन होगा। आप यूं बदलेंगे और आप यूं अच्छे हो जाएंगे कि आप कहेंगे वाओ क्या हो गया। इस नेगेटिव दुनिया में कैसे हम पॉजिटिव रहें, क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। पहले आप मेरे साथ ये बात बोलेंगे बार बार, आई एम द बेस्ट, 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 आई एम द बेस्ट। आप इसको 9 बार बोलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ एनर्जी आ रही है मेरे अंदर, गजब से एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। और इसको आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम द बेस्ट, वाई? पहले आप बेस्ट का डिफिनेशन समझ जाए। बेस्ट का मतलब क्या? बेस्ट मतलब अपनी नजर में, नॉट दुनिया की नजर में। बेस्ट का मतलब क्या होता है? जो अपनी नजर में बेस्ट हो। अगर कोई बेस्ट स्टूडेंट है तो इसका मतलब है कि जब वो 2 घंटा पढ़ता है तो पूरा फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, वो सीखता है, वो टीचर की बात ध्यान से सुनता है, और जो सीखता है उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। बेस्ट डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा डॉक्टर है। बेस्ट डॉक्टर का मतलब होता है कि जो अपने पेशेंट के प्रति कंप्लीट डेडिकेटेड है, समर्पित हो जाए उसको ठीक करने, लग जाए कि बस उसको ठीक करते रहें, ये है बेस्ट डॉक्टर। बेस्ट टीचर का मतलब भी होता है जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों की तरफ एकदम दिल से पढ़ाए, एक हो जाए उनके साथ, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करे, उनको मोटिवेट करे, उनको एकदम लगे कि कैसे सिखा देना है। जब 2 घंटा पढ़ाए तो बस 2 घंटा पूरा डेडिकेशन, ये है बेस्ट टीचर का मतलब। तो अगर हम बेस्ट का डिफिनेशन समझ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बेस्ट का मतलब क्या? अपनी नजर में। बेस्ट का मतलब अपनी नजर। और जब ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी तो अंदर से इंस्पिरेशन आएगा, और वो इंस्पिरेशन इतना जबरदस्त होगा और वो परमानेंट होगा। कभी आपको किसी चीज की, कभी आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट मतलब ये अपनी नजर। आप देखते हो कोई बेस्ट एक्टर, कोई एक्टर होता है, ठीक है, वो बेस्ट डिफाइन करता है दुनिया की नजर में। जब वो गिरता है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है क्योंकि दुनिया उसको नहीं पूछती है। लेकिन अगर वो अंदर से बेस्ट होता तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि दुनिया क्या बोल रही है। तो बेस्ट को आप थोड़ा सा डिफ्यूजन को बदल लें। बेस्ट आपको होना है अपनी नजर में, दुनिया क्या बोलती है इस बात पर डिपेंड आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर हम बेस्ट अपने आप को अंदर से फील करते हैं, अगर महसूस करते हैं, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आएगा और माइंड आपको इतने रास्ते बताएगा कि आप बेस्ट, आप तो बेस्ट मान लिए हो, और माइंड को बताएगा कि कैसे आप रास्ते पे चलते चलो आप बेस्ट ही रहो, कैसे आप अपने स्किल्स को डेवलप करो अपनी नजर में, अपनी नजर, नॉट दुनिया की नजर में। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि बेस्ट अगर आपको, अगर आपने मान लिया, हो सकता है ये झूठ भी हो, लेकिन बार बार जब माइंड को आप बोलेंगे मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, बेस्ट हूं, तो माइंड मान लेगा और माइंड आपको वो रास्ते पर दिखाएगा जिस पे चल के आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन सकते हैं, ग्रेटेस्ट। अब क्या लगता है, मतलब मैं जो बोल रहा हूं क्या है? जब आप बेस्ट होते हो अपनी नजर में तो आप लोगों के बहुत काम ले आते हो। अच्छा, आपको पता है, इसीलिए बताऊं, एक जगह मैं सुना था एक जगह की काम का डिफिनेशन, कि कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है तो इस तरीके से बिल्डिंग को बनाए जैसे वो अपने बिलवेड के लिए बना रहा हो। तो आप जब भी कोई काम करते हैं, जब आप बेस्ट होते हो तो जब भी आप काम करते हो तो इस तरीके से करते हो कि आप उस काम को जो, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो उसके लिए कर रहे हो। सोचो कितना जबरदस्त हो अगर हर आदमी इस बेस्ट के डिफिनेशन को और वर्क के डिफिनेशन को अगर क्लियर कर ले तो सोचो कितना बड़ा मिराकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, है ना। हम जो भी करेंगे ये सोचे करेंगे कि बस ये काम मैं उसके लिए कर रहा हूं जिसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज बेस्ट का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया, और अब मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इसको बार बार आप पागलों की तरह बोलते रहे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, जब तक ये माइंड, पूरा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर लेगी यू आर द बेस्ट। और याद रखो, कभी भी आपको दुनिया की नजर में नहीं, अपनी नजर में बेस्ट होना है। तो आप देखो चीजें कैसे बदलती है। हर काम में जो भी आप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसमें बेस्ट है, जाओ कुछ नहीं, कोई मतलब मैं अपनी नजर, फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी नजर में इतना शानदार हो जाऊं कि दूसरे में मुझे डिपेंड नहीं करना पड़े, दूसरा क्या कहता है नहीं कहता, मैं अपनी नजर में शानदार हूं। आप खुद महसूस करेंगे, आप जब भी कोई काम करेंगे और आपको लगता है कि, हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन खुद आपका दिल कहेगा नहीं यार
इसमें और अच्छा डाला जा सकता था, और आप अच्छा कर सकते थे। तो आपको बेस्ट का मतलब गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट का मतलब है उस काम को ऐसा आप कर डालिए जो आपको लगे कि वाह मैंने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।